हार्दिक अभिनंदन व्यूअर्स आपके अपने चैनल स्टॉक स्पार्क ट्रेडर्स में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे छोटे स्टॉक के बारे में जो हमें काफ़ी गिरावट होने के बाद अब फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है और हमें काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इस स्टॉक में मिल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ऐसे और स्टॉक्स की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये स्टॉक हमें पिछले 4 से 5 दिनों में 14% की बढ़त दिखाता हुआ नज़र आया और आज देखें तो 4% बढ़कर 23 रुपये के आसपास बंद हुआ है। इसका 52 वीक्स हाई और लो देखें तो स्टॉक ने 19.40 का लो और 45.80 का हाई बनाया है। देखा जाए तो ये स्टॉक हमें 40% से ज़्यादा की गिरावट में मिल रहा है। स्टॉक मार्केट में एक ऐसा लेवल आता है जहां स्टॉक काफ़ी गिरने के बाद उस लेवल से बाउंस बैक करना शुरू करता है और ये स्टॉक में भी कुछ वैसा ही लेवल बिल्ड हुआ है और हमें उम्मीद है कि इन लेवल्स से और गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। स्टॉक का नाम है विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड और हम इस पर पहले भी वीडियो बना चुके हैं। ये कंपनी शुगर, एल्कोहल, इथेनॉल की मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है और उसके साथ ही पावर जनरेशन में भी काम करती है। ये कंपनी इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर एक्सपेंशन करने वाली है जिसमें ये कंपनी 150 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगी जिससे इसकी इथेनॉल बनाने की कैपेसिटी 1,50,000 लीटर्स पर डे हो जाएगी जो कि बहुत बड़ी एक्सपेंशन है। कंपनी की प्लानिंग है कि फाइनेंशियल ईयर 2027 तक इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी 2,50,000 तक एक्सपेंड करेगी और आने वाले सालों में इथेनॉल की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और हमें इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में काफ़ी बढ़िया ग्रोथ देखने को मिलेगी। और अगर आप इस कंपनी को 4 से 5 साल होल्ड करते हैं तो आपको ये कंपनी बहुत बढ़िया रिटर्न्स देती हुई नज़र आएगी। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नए अपडेट्स के साथ।